बाबा कहता है कि बच्चे दिल में कोई भी बात हो, दर्द हो, दुख हो, किसी को नहीं सुनो, तो किधर तो सुनाना पड़ेगा ना, तो कहाँ सुनाएंगे, किसको सुनाएंगे, बाबा को कहाँ सुनाएं। दो जगह है, एक है बाबा के कमरे में बैठो, और बाबा कौन, बाप और दादा कौन है। पहले पांच में आत्मिक स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि आत्मा का आवाज ही परमात्मा तक पहुंचता है, यह अच्छी तरह से याद है। शरीर समझ कर और कितने भी आप बात करते हो, ध्यान करते हो, जैसे मंदिर में मूर्ति के सामने करते हो, है ना, तो यहाँ चैतन्य बाबा वहां है ना, तो वहां बैठ के सुनता है। तो कल सुना था, देखो कोई देवी देवता गए, धर्म गुरु है, कोई भी वापस नहीं आए, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निराकार भगवान ब्रह्मा बाबा द्वारा आए। कब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो कहां गए, उनका टेलीफोन नंबर है, एड्रेस है, हाँ, बाबा ने कहा ये कमरा छोड़ के मैं यहां आई। ऐसे कोई भी नहीं आया, श्री कृष्ण गया, हनुमान गए, श्री राम गया, देवी गई, बहुत लोग शरीर छोड़ के गए, गुरु नानक देव जी गए, है ना, बुद्ध गए, कितने धर्म गुरु गए, वो कहां गए। ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद करना तीत होने के बाद गुलजार दादी के तन में बाप और दादा दोनों आ गए, 50 सालों से ज्ञान सुना है। ऐसे में ब्रह्मा बाबा गए तो गया, बंद हो गए नहीं, श्री कृष्ण गया, गीता दोबारा किसने सुनाई, श्री राम गया दोबारा आया, कोई भी देवी देवता धर्म गुरु कोई भी गया, कहां गए। तो कोई भी कर्मातीत नहीं करने, जब तक कर्मातीत नहीं बने, अर्थात विकर्म से विनाश नहीं किया, तो दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो यहां अब बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद भी गुलजार दादी के द्वारा 50 साल हो गया अव्यक्त पार चला गया, तो बाप दादा विष्णु बाबा गुलजार ब्रह्मा बाबा दोनों गुलजार दादी के द्वारा हर साल आके ध्यान सुनते हैं। आप पूछेंगे अभी आपके मन में विचार आएगा, है जी कैसे कहते हो बाबा आया, और कोई आता होगा, है ना, पूछ रहे हैं आप अभी, हाँ उसका भी आपको। देखो साकार में ब्रह्मा बाबा थे, तो अंडरग्राउंड पेट्रोल की टाकी लगी थी, पेट्रोल लगता है गाड़ी को जलाने के लिए, वो किसी को पता नहीं जिसने बाबा अपने शरीर छोड़ के गए, लेकिन वो बहुत साल हो गया अंदर ही अंदर लीन हो रहा था। बाबा ने संदेश भेजा, बच्ची देखो टाके लीक हो रही है, अब तो पेट्रोल किसको दिखाई नहीं देता, जमीन के अंदर है, तो ये किसने बताया, जिसने डाला था, है ना, बाबा ने डाली थी, बाबा साकार में था, तो प्रूफ चाहिए कौन आता है, कोई कहता और कोई आता होगा, हर चीज की प्रूफ। तो कैसे आज तक भी आकर के 50 साल पहले जो ज्ञान सुना था वो आज भी सुनता है, तो वही आत्मा है। तब बाबा ने कहा बच्चों की मैं अंत तक सेवा करूंगा, अंत तक बच्चों के पास कहां है, तो यह सूक्ष्म में है।